टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। Welcome to the Mazedar Show with Adi and Faizan Season 2. उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा हो और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया हो ताकि आपका वीकेंड और बेहतर हो जाए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे हाउस बैंड से द कराची बॉयज। वाह वाह, अपनी बारी में तालियां, हमारी बारी में तालियां नहीं बजाते ये लोग। और उसके बाद आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे नए मेंबर टीम के काशिफ भाई। काशिफ भाई नए मेंबर तो आप हैं लेकिन लगा आप पुराने ही रहे, क्या मसला है? बहुत पुराना हूँ भाई, आपकी तो पेमेंट भी हो रही है, आप कुछ खर्चा करें। बहुत पुराना हूँ, ठीक है, चीजें बेहतर हो सकती है, आप पे लकीरें खींच के चला गया कोई। थोड़ा सा बेहतर करें मामले को। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की, मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी मसनूई तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम। आदि भाई, हाँ जी, ये जो आपने जादूगर एंट्री की है कैसे किया आपने? मैं बेसमेंट में जरूरी काम से गया वाला तो निपटाते बाहर निकला। कैसे आप, ठीक ठाक हैं? असल में पीछे से फोन पे कंप्लेन आई थी कि पाइप में कुछ फंसा हुआ है। अच्छा, तो पहले मैंने पाइप खोली तो काशिफ भाई फंसे हुए थे तो उनको निकाला तो सारा ड्रेनेज सिस्टम सब सेट है। हाँ, आप खैरियत से? मैं जबरदस्त हूँ। क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा है, जिंदगी में काम चल रहा है। वेरी गुड। लोगों की दुआएं चल रही है okay. और रोज एक नई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बस ये चल रहा है। नई चीज एक्सपीरियंस है मेरा, मुझे याद आया कि आज की हमारी जो गेस्ट है इंतहाई एक्सपीरियंस है बिल्कुल, और कई सारी चीजें उन्होंने की हैं, कई सारी। हाँ जी, प्रोडक्शन भी की है, डायरेक्शन भी की है बिल्कुल, एक्टिंग भी वो करती हैं, और एक्टिंग में भी जो जितनी चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो कॉमिक हो, चाहे वो ड्रामा हो, हर चीज जो भी करती है वो नेल कर देती है। और मुझे फैजान ये लगता है कि आज की जो हमारी गेस्ट है ना, उनपे ये जो जुमला कहते हैं ना कि एज डजंट मैटर, उसकी सही डेफिनेशन वही है। बिल्कुल, एज लोग तो किसी और उसमें सेंस में कहते हैं कि यार मैं तुमसे बड़ी हूँ तो इट डजंट मैटर, नहीं, लेकिन वो जिस भी एज में है हाँ। वो आज भी एक 16 साल की चुटबुलाती हुई कॉलेज जाती हुई लड़की लगती है। हाँ, वैसे वो है उतनी की है, तुम्हें पता नहीं है? अच्छा, शी इज अ 16, शी इज अ 16, शी इज अमेजिंग, शी इज अमेजिंग। और जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको मैं और आदि बहुत एंजॉय करते हैं, और मुझे बड़े फखर है इस बात का कि मैंने उनके साथ कई दफा स्क्रीन शेयर किया। अगर कुछ एक अरसे में मुसलसल मेरी अम्मी चल रही थी वो स्क्रीन पे, और वो है भी बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह, बिल्कुल उनकी बातें भी हम वैसे करते रहते हैं। उनके साथ सेट पे होना जरूरी नहीं है क्योंकि वो आपको कभी भी कॉल कर सकती हैं, कभी मैसेज कर सकती हैं, और रैंडमली कॉल करती हैं, सुनो तुमने वहां की वो चीज खाई है? मैंने कहा हाँ, नहीं खाई है तो खाओ, बहुत अच्छी है। अच्छा जी, खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी, बहुत सारी भरपूर तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर द वन एंड ओनली। आदाब आपके लिए, अल्लाह का शुक्र है। क्यों नाराज हैं? कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक है। सुने, वो समीना आपा के शो से हो गई हैं आप साइकिल चला ले। साइकिल? मौत क्या है? मौत क्या है? क्या हो गया आपको? मरने के बाद क्या? सुने, ये आगे करना है हमने, रिलैक्स। मरने के बाद क्या? ऐसा तो नहीं है कि आप निकल गए हैं या हम दो निकल गए? कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? वापस आओ, सलाम करो, वापस आ गए, वापस आ। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? बेहतरीन। क्यों हैं आप इतनी प्यारी? हैं? क्यों हैं इतनी प्यारी? मैं ये तो मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताएं? कौन सा साबुन है ये जिससे वजह से इतनी प्यारी? साबुन ही तो नहीं है। हम नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। हमें मूंगफलियां खाने, मूंगफलियां खाने आ रही है। क्या राज है? फ्रेश मूंगफलियां हैं, है ना? यकीन करो, मेरे अभी तोड़ के लाए हम। रोज मेरा खाली नया पैकेट खुलता है, रोज नया पैकेट खुलता है, वो खुद ही खा लेते हैं, हमें वो बासी वाली दे रहे हैं। वो भूल गया कि वो चेंज भी करनी है। आठ था कि ये दो खा रही है, इतनी फ्रेश है, यकीन जानो बिल्कुल भी। और ये माइक मुझे इस कदर का तंग कर रहा है ना, पता नहीं किस किस्म के माइक रखे हुए। ये हम असल में बताने जा रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। हम चाहते हैं हम कॉर्डलेस नजर आए।
कॉर्डलेस नजर आए। मैं जो सुन रही थी ना कि जी मैं अच्छा वो इतने सारे काम तो मुझे खुद भी नहीं पता कि कितने किए। अरे माशाल्लाह आपने इतने सारे काम किए वाकई। भूल गई आप हैं? भूल गई आप? मतलब हाँ इतनी है, मतलब मुझे तो भाई सच्ची बात है, मैंने कहा मुझे बता दो, मुझे सिर्फ प्यारा आना है, फन की खिदमत छोड़ दी मैं। अच्छा ये वही चीज है जिसकी आपको टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आप हैं प्यारी माशाल्लाह। देखो जरा ये कितनी, और आप हर तरह से प्यारी हैं। आपकी एक्टिंग भी प्यारी है, आपकी पर्सनैलिटी भी प्यारी है, आपका दिल भी प्यारा है, आप दिखने में भी बहुत प्यारी, और आपके बाल जो है ना वो गेम है। तो फिर मैं यहाँ क्यों आई? फिर मैं निकलती हूँ, आप लोग कर लो। हमने टीम वन को दिखाना था कि हमसे ज्यादा अच्छा होस्ट है। कल मुझे किसी ने सेट पे कहा ना, तारीफ हो रही थी कि जी ओहो अब जो आप एक्टिंग करेंगे ना आप तो कोई दूसरा मुल्क लेके जाएगा और फलाना होगा। मैंने कहा ये बात 50% तय है, कौन सी बंसाली है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं राजी हूँ, बोली राजी मुझे बुलाने पे। आपने माशाल्लाह प्रोडक्शन से काम शुरू किया। हाँ जी किया। किसकी बद्दुआ लगी जो फिर आप एक्टिंग में आ गए? देखो जरा मोहम्मद अहमद अहमद साहब की बद्दुआ के साथ साथ उन्होंने तो प्रैक्टिकली भी मेरे साथ ये जो किया ना। अच्छा। हाँ, मैं कभी माफ नहीं करूंगी उन्होंने। तो उन्होंने पहले ही सीरियल में वो मेरे शौहर बन गए। मैंने कहा चलो एक्टिंग तो ठीक है, ये क्या है, ये डिपार्टमेंट, ये बात तय नहीं हुई थी हमारी बिल्कुल, वो कोई पता नहीं इसी चक्कर में उन्होंने आपसे एक्टिंग करवाई। हाँ हो सकता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो फिर आपने बीच में बहुत सारी डायरेक्शन भी की? नहीं बहुत सारी डायरेक्शन तो हाँ, आसिम के सारे जो पहले वीडियोस थे, फिर आसिम पूरा आपकी डायरेक्शन ही तो है और क्या है। हाँ ये तो है, ये तो है माशाल्लाह। की आदि ने कितनी अच्छी बात कर दी, कैसा इसके बाद मैं निकल जाता हूं। ये बड़ी बड़ी बातें करके ना मर जाता है एकदम से। अभी शो से पहले कह रहा था अब मैं बिल्कुल पागल हुआ हूँ दो तीन दिन से। मैंने कहा पता नहीं कुछ ऐसा सा था, आजकल मैं पागल हुआ। मैंने कहा आदि आजकल, ये तो पुरानी खबर है। अच्छा मुझे लगा कि आ गई है। हाँ आसिम की प्रोडक्शन और आसिम की डायरेक्शन की बात मैं करूँ। आसिम और मैं एक साथ क्रिकेट भी खेलते हैं टीम से, तो उससे बहुत अच्छी दोस्ती भी छोटे भाइयों की तरह। लेकिन आसिम से जब आप मिले उससे बातचीत करें उसका स्टार्डम अपनी जगह है। लेकिन बात सुनो ये मेरा शो है, तुम आसिम आप ही पे आ रहा हूं, ये गलत बात है। आप ही के लिए आपकी तारीफ होगी, आप ही प्यारी है। चुप रहो, कल भी मैं ये सुन चुकी हूं कि आपका तो मैं फैन हूं इतना नहीं। आसिम का मैं बहुत बड़ा, मैं कहा चलो घर जाओ, चलो बात हो जाएगी। फैन हम आपके फैन क्यों ना हो, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत जबरदस्त। मैं खुद उसकी बड़ी फैन। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप उससे बात करें, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें तो आपको गुलाब की तरबियत उसमें नजर आती है। आया ना फिर आप पे आया ना अब वो अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपको यंग एज में बहुत सारा फेम मिल जाए तो बहुत ग्राउंडेड रहना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन आपने जिस तरह उसको हैंडल किया है ना, और ये अभी भी मैंने उनको देखा है सेट पे से भी एकदम फोन करती है, पूछती है उठे हो कुछ खाया है ये किया। मैं कहता हूँ यार इतने काम के साथ इतनी डेडिकेशन से वो काम भी करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो हैट्स ऑफ माशाल्लाह से, आप बड़ा अच्छा मैनेज करती हैं। मसलो तालियां बजवाओ ना। नहीं तालियां भाई, तालियां बजाओ यार, भाग दो भाई यार। वो हमारे आवाम बैठी हुई आप देख रही हैं, हमारे म्यूजिशियन पेट पे हाथ रख के बैठे हुए, आपने काम पे लगा दिया हमको एकदम से। तो गुलाब भाई बताएं कि कभी इस बात का रिग्रेट हो गया यार मैं एक्टिंग में क्यों आ गई, मैं डायरेक्शन या प्रोडक्शन ही करती रहती? नहीं नहीं फैजी, पता क्या बात है, चलो अब जरा सा सीरियस बात कर ही ले। बिल्कुल मुझे जिंदगी में ना अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज का रिग्रेट नहीं है, और मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, बिल्कुल भी। आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अगर जिंदगी में गलत, क्योंकि इसलिए जब बात समझ आई कि अच्छाई जो है वो अल्लाह की तरफ से होती है, बुराई इंसान के अपने हाथ से होती है, तो जो काम अपने हाथ से किया उसका क्या रिग्रेट तो उसका होता है जो आपके साथ हो जाए। तो हो तो जो 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 खराबी है ये तुम लोग भी बात याद रखना, लोगों के लिए भी सबकी नसीहत है, बुराई इंसान के अपने हाथ से है, अच्छाई अल्लाह की तरफ से। कोई जिंदगी में बुराई ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तरफ, बुराई अल्लाह की तरफ से है ही नहीं। खैर अब मैं ये नसीहत का होनी शुरू करना चाह रही, लेकिन आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ। मतलब इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए कि आपने क्या किया था जिसकी वजह से आपको ये भुगतना पड़ा। अच्छा मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि तुम्हारा सवाल तो घटिया होगा, तुम रहने दो, तुम्हारा मैं सवाल। ये होता है जब गेस्ट होस्ट को पहले से जानता हो। नहीं नहीं वाकई नहीं बेटा, तुम उधर ऐसा प्यारा सवाल करूंगा। नहीं नहीं तुम वो हमारे कैमरे के पीछे भाई खड़े हैं उनसे करो। हाँ भाई क्या कह रहे थे? मैं जब सवाल करूंगा ना, बात तो ये खत्म हो जाएगी। तुझे सवाल कर, अरे ये जो कमीज पहन के आओ ना तुम, आप यकीन करें इसमें सबसे ज्यादा खुश काशिफ हो रहा है ना। अच्छी सबसे ज्यादा कि जब आदि के साथ होती है ना कोई तो खुश होता है, काशिफ को खुश होने का। लेकिन काशिफ से को हंसा भी करे ना, काशिफ नहीं वो हजरत मूंछों में दांत आ जाते हैं, नहीं चलता कुछ मूंछों में दांत आ जाते हैं। ये देखें हजरत काशिफ हंसो, आज गुलाब तुम्हारी तरफ से खेल रही है। आपको पता है कि मुझे इसकी आवाज बहुत पसंद है। हां यादव की शक्ल बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं। नहीं
बिल्कुल नहीं। अच्छा इसका एक हमारा प्रोग्राम हुआ करता था ना अलिफ नून, मुझे उनका इतना पसंद आता था, उन्होंने कहा अच्छा इसका मकसद है आप लोग फ्रॉड है। जी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट करते थे वो। तुम ये चाह रहे हो अगर कि तुम्हारा सवाल बनेगा, नहीं बनेगा, मैं आपसे पूछूंगा कुछ भी कर लो। अरे 100-150 इसको भी मिल रहे हैं, जो सवाल मेरा है ना वो मेरी शक्ल से मैच ही नहीं होगा। हां बिल्कुल भी नहीं, देखो जरा, और मेरा स्टाइल भी यही होगा। पूछो सवाल ये है, आज से कुछ तुमने आज बाल कैसे बनाए बताओ, बाल कैसे बनाए। चलो यार फैजान तुम शो करके फिर कॉल कर देना। नहीं सवाल ये आज आधी छुट्टी सारी नहीं छोड़ेंगे आज से। कान में क्या पहना है? कान में हाँ बाली। अच्छा अच्छा ठीक है। कैसा कैसा भी नहीं। अच्छा मैं भी पूछ के छोड़ूंगा, क्या लिखा हुआ है? बैंड है, इसमें लिखा हुआ है हार्ले डेविडसन। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये घड़ी, ये बाजू तुम्हारा हार्ले डेविडसन ने दिया। बहुत आला, कैसा मजा आ रहा है। अरे पूछ ले यार जल्दी से, वो पूछ ले। बात ये है आज से 2-3 साल पहले क्या हुआ था मेरे साथ, तो कुछ पूछ चुक, वो नहीं पूछने देंगे, पूछ। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मजा है ना। आज से कुछ साल वो पहले एक अब्बा जो है ना बेटे को बेटा बेटा पढ़ रहा होता है, वो पलट पलट के अब्बा अखबार लिए बैठे होते हैं, तो बेटा पलट पलट के पूछता है भाई यादगार पाकिस्तान का, उन्हें कहा बेटा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा अब्बा लाल मस्जिद कहाँ है? उनका बेटा मुझे नहीं पता। बच्चा यूँ देख के और लग जाता अपने काम में, तो वो पूछते हैं बेटा पूछ नहीं रहे, पूछोगे नहीं तो नॉलेज कैसे बढ़ेगी। यार वैसे ये भी एक क्लास है, गुलाबा के जो लतीफे शुरू होते ना, हाँ। तो बैक टू बैक आप लतीफा सुनते हैं, हर सिचुएशन पे, हर सिचुएशन पे, हर टॉपिक पे लतीफा मौजूद है। देखो जरा, और हमें आदि पे भी मौजूद है। और मुझे वो याद आते जब हमने मैं और तुम किया था। क्या हो गया आप? अच्छा, आप हाँ, तो किया था। ये तो आप कराटे दादी बनी थी। कराटे दादी बनी थी, इनको हमने दादी बनाया, इन्होंने पहले एपिसोड में कराटे कर दिया हमारे साथ। हमने कहा कहाँ से दादी बनाया इनको। लेकिन बात ये सवाल वही है। अच्छा फिर क्या सवाल? पूछ। सवाल ये है कि आज से 2-3 साल पहले जब गुले राना 14-15-16 साल की होती थी, जी जी एक लड़की 10 साल आगे, गलत इन्फॉर्मेशन है, 10-11 साल की होती थी, तो गुले राना क्या बनना चाहती थी? एक्टर ही बनना चाहती थी, मीडिया में आना चाहती थी, या क्या बनना चाहती? मैं हमेशा से मेरी ये कोशिश रही है कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं। अरे वाह भैया, क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान है ना, तो फिर अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत आपका भी फायदा होगा और दूसरे का भी फायदा होगा। हमारे वाले साहब मुझसे अक्सर लोग जो है वो ये कहते हैं, अभी तक किसी ने क्रिटिसाइज तो नहीं किया कि कभी भी ऐसा इंटरव्यू होता है या कुछ होता है, तो उसमें मैं अपने वालिद का जिक्र लेके बैठ जाती हूँ, इसलिए कि सारी ज़िंदगी मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही सिखा के चले गए। वालिद साहब हमारे कहा करते थे कि काम जो है ना, वो आपका काम सिर्फ काम नहीं है, इट हैज़ टू बी पैकेज। पता चला काम तो आपका बहुत आला है, काम तो ऐसा है कि आप गई हैं और उन्होंने आपने यूँ कर, और बिहेवियर आपका ऐसा है कि लोग कहते हैं भी इन्हें ना बुलाना, ये बहुत अजाब हो जाती है, या फिर आपका बिहेवियर ऐसा है कि मैं आती लिपट जाऊँ, आई आती मेरा बच्चा, जब काम की बात आए तो पता चला आप घूम थकवा। तो बैलेंस बहुत जरूरी है, तो बैलेंस जिंदगी में बहुत जरूरी है बच्चे। तो आपका पैशन यही था मीडिया? नहीं बेटा कुछ भी नहीं था, पैशन बताया नहीं, कुछ भी दुल्हन दुल्हन बनना भाग नहीं पता था कुछ भी नहीं। हाँ सही बता रही हूँ, ब्लैंक बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल ब्लैंक थी मैं, अभी भी हूँ तो हाँ सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी कोई काम कभी पूरा नहीं किया, कभी नहीं किया पूरा, बिल्कुल भी नहीं। स्कूल नहीं गई ढंग से, स्कूल जाती थी तो घर वालों पे गुस्सा आता था। अरे वो मैंने एक इंटरव्यू में लिखा, मेरा दिल किया कि मैं दिल चाहता था जिन ठंडे ठंडे कमरों में सब सो रहे और मैं स्कूल जा रही हूँ, तो दिल चाहता था ये तकिया रख के मार दूँ, तो एक जगह लिखा गया मार दूँ, गुले राना अपने घर वालों को मार देना चाहती थी। हाय हाय मैंने कहा ये क्या हो गया। यकीन करो जब वो ठंडे ठंडे घर में मैं दोपहर में वापस आती थी ना, क्यों मैं सबसे छोटी थी, सब पढ़ पढ़ा के अपने, तो देखा सब सो रहे हैं, इतना गुस्सा आता था। और सुबह सब जब स्कूल जाती थी तो हमारे एक मुलाजिम थे याकूब भाई, तो मुझे अभी तक याद है कि मैं उनके हाथ पे काट के और दौड़ जाती थी। ये तो पूछना ही गलत होगा कि आप शरारती थी या नहीं, ये तो गिवन है कि आप बहुत शरारती होंगी। नहीं शरारती नहीं थी, ये शरारती काट के भागी आप लोग, ये तो वो है जा रहे हाना तबीयत सी कुछ रही। अच्छा आपके सिबलिंग्स माशाल्लाह कितने? मेरे हम 5 बहन भाई हैं, 5 बहन भाई हैं, 3 बहनें और 2 भाई। और आपका नंबर कौन सा इनमें? बस है बस, कहीं भी डाल दो दूसरे तीसरे चौथे एंड क्रेडिट्स, एंड क्रेडिट्स बिल्कुल। आपके बाद बस होते ना, जो उन्होंने पूछा कि क्या कहते हैं वो नाम, कोई दो बड़े नदीम और शबनम और दीगर, उन्होंने कहा ये दीगर आज तक नहीं पता कौन है, कौन है? ये दीगर से कभी मुलाकात नहीं हुई, कोई कह रहे हैं ये देगर कौन है, तो वो देगर या दीगर थी मैं। हाँ। अच्छा और बहन भाइयों से कैसा रिश्ता है आपका? मुझे मैं तो जानता हूँ मैं चाहता हूँ हाँ आप गेस्ट हैं तो क्या करें,
गेस्ट है तो क्या सच बोलना छोड़ दे? नहीं पता है ना कैसा मतलब, कैसा बुरा, लड़ाई वाला बुरा या किससे किससे दोस्ती है किससे नहीं बनती, किसको तंग करती है? बड़ी बहन है उनसे अच्छी दोस्ती है, जिनके पास आप अक्सर जाती रहती हैं? अमरीका वो अच्छा बेहतर है, उससे बड़ी है। हाँ तो अच्छा अच्छा नहीं मेरी बड़ी बहन बहुत नहीं 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 जैसा है वैसी रखी और उसी ने मुझे पाला है। हम दोनों हम पांचों में जो है ना वो बिल्कुल इतनी मोहब्बत है। नहीं नहीं सच वाला, पांचों सच वाला पहला बताया था वो ठीक था, वो नहीं उनसे ज्यादा नहीं आपकी बनती, बस अच्छा है ना सबसे। बड़े भाई पूछते तुम अपनी को बातें शेयर नहीं करते? अरे मैंने कहा तो 15,000 में दूर बैठे दूर, क्या शेयर करूं, क्या शेयर करो, तुम कर क्या लोगे है के अलावा, तुम क्या कर लोगे भाई है के अलावा। हां सही बात है, इतनी दूर से क्या करेगा, मतलब ना करीब से ना दूर से कुछ समझ ही बात नहीं। तो जिंदगी में मैं समझती हूँ आप मैं ये यहाँ पर कोई वो वास करके नहीं जाना चाह रही कि आप अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, हकीकत यही है। तो आप जो है ना, मैं ज़िंदगी में समझती हूँ कि जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी उतने आप स्ट्रांग होंगे, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होंगी उतने वीक होंगे आप। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ स्ट्रांग पर्सन, बस मुझे इतना पता था कि यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू फेस योर एवरीथिंग दैट कम्स योर। हां अच्छा, मेरा समझ में आता है। अच्छा ये बताएं, आप इतनी हैप्पी को लकी हैं, माशाल्लाह कभी जिंदगी में आता है एक डाउन टाइम आता है, मोमेंट आता है या ऐसा, जैसे अभी आया हुआ है कि मेरी एक आंख जो है ना वो माइक पे लगी हुई कि ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, कौन देख रहा है मुझे, कौन ये क्या चल रहा है। हां तो आगे बात करें, कभी ऐसा जब आ जाता है तो आप उसको क्या करती हैं, अपने दिल में रखती हैं या आपके पास एक थेरेपी है अपनी बनाई हुई? क्या मैं अभी थेरेपी करके आई हूं, अभी वो थेरेपी कर देती हूँ जो थेरेपी होती है वो थेरेपी क्या होती है? वो थेरेपी यहाँ होती है, अगर मुझे गुस्सा नहीं आता ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज पे आ जाए तो मैं उस गुस्से को निकाल देती हूँ। और अगर उदास हो रही हूँ, सैड हो रही हूँ तो क्या करती है? ना मतलब उदास हो रही हूँ, सैड हो रही, इंसान है ना आप। हाँ तो कभी उदास होती है तो क्या करती है, किसी से शेयर कर लेती है, कोई पुराने गाने लगा के सुनती है? देखो अगर मैं साफ बात करूंगी तो ऐसा लगेगा जैसे मैं बहुत ही कोई मजहबी बनना चाह रही हूँ। नहीं साफ बात करें, मैं समझती हूँ कि आप उदास हो और अगर परेशान हो तो उससे ज्यादा कौन, मतलब किसी को सुना के आप क्या करेंगे क्या, पहले तो आप ये बता दें, आप बता दें मुझे। हाँ किसी इंसान के बस में तो नहीं होता, इंसान के बस में तो कुछ नहीं होता ना, अगर आपने किसी से कहना ही है, क्योंकि जिंदगी में कहीं ना कहीं तो किसी का होता ही ऐसे। मैं बहुत कम उदास होती हूँ और लेकिन जब कभी ऐसा होता है तो मैं समझती हूँ उससे बेहतर जात तो नहीं है आप, जिससे किससे कहेंगे आप, किसी से कहेंगे तो क्या होगा मुझे बताइए। वो कहते हैं ना जी दिल हल्का करो, कहाँ हल्का कर लो, वो कहीं और जाके भारी कर देगा, किसी और का भारी कर गया। सही है, तो ये है सूरत हाल। अच्छा आप मुझे बताएं कि आसिम माशाल्लाह, तुम्हें ये बताऊं कब, तो तुम्हें ही तो बता रही हूं। ना भाई बताएं ना क्या ऐसी करता है ये। हां मुझे ही बताएं, इसको छोड़ दें। अच्छा छोड़, हां आसिम माशाल्लाह इज अ सुपरस्टार राइट नाउ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके काम में आपकी कितनी इनपुट होती है, कितना आप उसके गानों को सुनती हैं, कितना बताती है ये ठीक है ये गलत है, क्या बॉन्डिंग आपकी तो गोज विदाउट सेइंग कि वो माशाल्लाह दिखती है कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन उसके काम को लेके काम के हवाले से कितना आपका उसमें इनपुट है? उसमें बस ये बता दूं कि जब वो कोई गाना बनाता है तो सबसे पहले आके मुझे सुनाता है, जब उसकी सिर्फ एक शक्ल बनती है, सही है, तो वो आके मुझे सुनाता है कि अम्मा ये देख ली। तो मैं ये नहीं क्लेम करूंगी कि मुझे म्यूज़िक का बहुत पता है, लेकिन हाँ थोड़ा पता है। तो जो चीज़ मुझे कभी वो बना के ले आता है पूरा गाना, तो अगर मैं उसमें कभी क्रिटिसाइज़ करूँ कि आसिम दिस इज़ नॉट, ये मुझे पसंद नहीं आया, तो उस वक्त तो शायद ज़ाहिर है हर एक को अपनी चीज़ जो है वो बेहतर लगती है, तभी तो वो बनाता है। तो अगर कभी वो मुझे गुस्से से यूँ भी देखेगा तो जब वो गाना रिलीज़ होता है वैसे, और उसमें वो चीज़ नहीं होती जिसपे मैंने क्रिटिसाइज़ किया, वो उसको फिक्स कर देता है, वो उसको फिक्स कर देता है। नहीं क्यूट की बात नहीं, उसे पता है कि ये ठीक कहा है अम्मा ने। यार भाई क्यूट है, ये क्यूट बात है यार, क्यूट बात कहाँ से आई, उसे पता है कि ये रिलीज हो गई, अजीब लगा आखिरी चीज में वो निकाल दिया, बहुत क्यूट बात है। नहीं उसको अकल आई कि वो चीज ठीक नहीं है, गाना खराब कर रहा है, कि गुलाब के हाथ में से सब जलील ही हो रहे, दलालत वाली बातें करोगे तो जलील होगे, कमाल है यार हदों की। बिल्कुल ठीक है भाई, ये जलालत का दौर शुरू हो चुका है, मैं और आदि डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन ज्यादा जलील होने वाला है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए, आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदि अतील अमजद, उनके साथ मौजूद है गुल राना, और अब हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार।
होगा कुछ यूँ, आपसे एक सवाल होगा, उसके दो जवाब होंगे, वही जवाब देना है, तीसरा जवाब आप नहीं दे सकती, लेकिन आपसे तो बदमाशी भी नहीं कर सकते, आप तो दे देंगी, कोई मसला नहीं। क्या मुझे समझ ही नहीं आई, खेलना शुरू कर भाई, सवाल पूछूं आपने जवाब दे देने, बस ठीक है ना। एक्टिंग या प्रोडक्शन दोनों? एक करना एक है। ये क्या बात, ये गेम का हिस्सा है, पसंद दोनों है? नहीं पसंद नहीं, एक ज्यादा कौन सा पसंद है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोडक्शन यार ये कैसे, मतलब मुश्किल काम होता है, लेकिन ये करी प्रोडक्शन में कर लूँ, कोई टेंशन ही नहीं। वेरी गुड। नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? दोनों का नहीं पता है, यूट्यूब भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, कोई अपना काम शाम देखने के लिए? नहीं पता नहीं, देखती यूट्यूब। दुनिया में जो एक खातून है, एक जिन खातून इनको मैं जानता हूँ, उनसे अच्छा यूट्यूब कोई नहीं देखता। वो कौन है? उनका नाम है परवीन अकबर। वो यूट्यूब लगाती हैं, ऐसे बैठती हैं और सो जाती हैं। यूट्यूब भी कहता होगा क्यूट्यूब। हाँ क्यूट्यूब कहता, मुझे क्यों चलाया हुआ भाई, थेरेपी उनकी, थेरेपी वाकई, वो यूँ लगा के सो जाती है यार, क्यों देख रही हैं। अच्छा और मसला क्या है, जब सो रही हैं आपने बंद क्यों कंप्यूटर देख रही है, क्यों बंद किया है? अरे आप सो रही हैं? मैं नहीं सो रही, मैं सुन रही हूँ। अरे भाई आप सो रही हैं, ये तू पिटेगा इस बात पे। लवली लेडी, इट इज नॉट दैट कि तुम मेरे सामने बैठे हो, नहीं वो भी बहुत हाई रिगार्ड करती हैं आपको। आज जब मैंने बताया कि आप शो, मैंने कहा तुम्हारा शो आज हो जाएगा, इजी हो जाएगा, बेफिक्र हो जाओ, आज शो नहीं होगा। हाँ वैसे ये तो वाकई शो नहीं है, तो हम ऐसे ही बिला वजह हमने बनाया हुआ है। अच्छा जी, हाँ बिला वजह बनाया हुआ है, तो बातचीत बुला रहे थे। एग्जैक्टली। फोन कॉल या टेक्स्ट क्या ज्यादा प्रेफर करती हैं? फोन। फोन कॉल ठीक है। फिल्म या टीवी? टेलीविजन, क्योंकि फिल्म जो है मुझे सिनेमा पे देखनी होती है, उसके अलावा नहीं। नहीं करने में क्या मजा आता है? करने में क्या मजा आता है? चार तो फिल्में बन रही, पूछ ऐसे रहा है जैसे यहाँ कोई पता नहीं। नहीं आपने अगर आपने जो की उसके हवाले से बताएं ना, जो आपने की वो, या टीवी करने में ज्यादा मजा है? टेलीविजन में आई थिंक, हमारे हमारे पास बाहर का एक्सपीरियंस नहीं है। फेसबुक या इंस्टाग्राम? दोनों नहीं। अच्छा कभी ऐसा होता है कि आप कमेंट्स पढ़ती हो आपकी पिक्चर्स पे या आसिम की पिक्चर्स पे? एक दफा मैंने यही किया था, तुम अपना खेल खेल लो बाद में बताऊंगी। नहीं नहीं हम भूल जाएंगे। नहीं पता है आसिम का, मुझे नहीं पता था कि सवाल जवाब नहीं करते, आसिम ने मुझे नया फोन लेके दिया। तो सवाल जवाब नहीं करते। तुमने तो देखा ना मुझे, मेरा फोन मुझे बस हेलो के लिए और खुदा हाफिज़ के लिए। अक्सर ऐसा होता है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, कि कोई आप सेट पे होंगे, इधर आ जरा यार, इधर बासु, ये वाला ये कैसे होता है? मैं देख रहा हूँ अच्छा फोन है, मैंने कहा गुलाबा आपका, हाँ नहीं पता मुझे, ये करके दो। अच्छा जी फिर वो मैं करके देता। कहता भी कोई बहुत जरा फखर की बात नहीं है, ना किया करें आप, बहुत बुरी लगती है। तो आसिम को मैं दूसरे कमरे में बैठी, जाहिर है कॉमेंट जरूरी नहीं है कि अच्छे ही हों, हर तरह के लोग तो आपको पता है। जी जी। अब एक दो चीजें मैंने देख ली कि किसी ने उसको कहा तो मैंने लिखा, मैंने कहा अपनी शक्ल देखिए कभी फलाना किया, कभी झुकाना किया। आपने झुक 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 तो मार रही। आसिम की मुझे आवाज आई दूसरे कमरे से, अम्मा। अच्छा मुझे बड़े प्यार से आवाज देता है वो, अगर उसको वैसे ही काम हो ना, अम्मा। जब उसकी आवाज ही ना, मैंने कहा कुछ हो गया, कुछ कर दिया मैंने। वो कमरे में आया, करना क्या कर रही हैं आप? मैंने कहा क्या कर रही हूँ, मैं बोली बिल्कुल बन गई जैसे कुछ किया, मुझे क्या पता। अम्मा व्हाई यू आंसरिंग? मैंने कहा किसको? अम्मा आप देखे, आप सबको जवाब दे। ओहो, मैंने कहा अच्छा नहीं नहीं, मैंने कहा मैंने तो सिर्फ दो तीन, हालांकि मैं 15-20 लोगों के साथ लड़ चुकी थी। गोलापों में धान उतरे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जल्दी जल्दी मैंने, अच्छा मुझे क्या पता वो देख के वापस फिर आए। आप फिर कर रही, आप फिर कर रही। ओहो, कहता ये नहीं करते, उनको तो चाहिए ये। हाँ, exactly. तो ये कर चुकी हूँ मैं ये। वेरी गुड ठीक है। अच्छा कॉमेडी कैरेक्टर्स या सीरियस कैरेक्टर्स? कॉमेडी ना, बहुत कम लोग हैं जिनकी टाइमिंग बहुत कमाल है, उसमें से गुलापा एक है। अगर जुमला फनी ना भी हो ना तो उसको ये फनी बना लेती है माशाल्लाह से, हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए यू आर गिफ्टेड माशाल्लाह से। अच्छा जी, बड़ी बड़ी पार्टीज या स्मॉल गैदरिंग्स? दोनों ही नहीं, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ मजाक के अलावा। अम्मी भी बताती है मेरे अब कि मैं बचपन से ऐसी हूँ कि मैं कहती हूँ हम क्यों किसी के घर जाते हैं, उन लोग क्यों हमारे घर आते हैं। ठीक है, अपने अपने घरों में रहे। स्मॉल गैदरिंग्स, आई बिलीव स्मॉल गैदरिंग्स। ठीक है, महविश हयात या माहिरा खान? बीच में अचानक से गुगली आ जाती है। क्या कह रहे? महविश हयात या माहिरा खान? कॉफी अच्छी। अच्छा, हमें पता ही नहीं चला किसी ने हमारा सवाल कटा दिया। ऐसे बॉल लेफ्ट करेंगी आप? बिल्कुल सीधी सीधी। नंबर भी आ रहा है किसी का। ये नंबर भी आ ठीक है जी, कोई मसला नहीं। बहुत अच्छी कॉफी बनी। अच्छा, अमीर दोस्त या सच्चे दोस्त? दोनों बच्चियां बहुत अच्छी हैं। क्या अमीर दोस्त या सच्चे दोस्त? अमीर और सच्चे दोनों का कॉम्बो नहीं मिल सकता। सच्चे और अमीर, मुश्किल कॉम्बो है ना। हमारे कहा करते थे ना कि जी कॉम्बो कहीं मिल जाए, जो गरीब होगा वो अमीर नहीं होगा। वो क्या कहते हैं, क्या कहते थे, हाँ, उसके पास पैसा नहीं होगा, जिसके पास पैसा होगा उसके पास सच्चा नहीं होगा। बात सही, मुश्किल कॉम्बो है। हाँ। अच्छा जी, फैसल कुरैशी या हुमायूं सईद? अब आप बोलेंगे दोनों बच्चे अच्छे, अब आप नहीं, बोलेंगे नहीं, of course, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी ठीक है जी। एक्टिंग का पूछ रहे हो ना? हाँ, तो मैं भी एक्टिंग का ही बता रही हूँ। आपकी आंखें नहीं बता रही। साथ नहीं दे रही आंखें। हाँ जी, अंग्रेजी खाना या देसी खाना? अंग्रेजी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये जिस तरह का खाना पकाती हैं,
जिस सेट में हम साथ हो वहाँ हुमस का एक दिन फिक्स्ड है, और इनके यहाँ से जो हुमस आता है वो ऐसे एक प्याले वाले में नहीं आता, बाकायदा उसका एक ट्रे है उसमें वो आता है, उस तरह सर्व किया जाता है, और वो एक नेक्स्ट लेवल हुमस है मैं कहता हूँ, बहुत कमाल खाना बनाती है। और अगर आप इनके यहाँ कुंडू पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ क्या क्या बनता है, आपको लग पता जाएगा लग पता जाएगा। अच्छा जी, उधार देकर भूल जाती है या वापस मांगती है? सवाल ही नहीं पैदा, क्या देने का या मांगने का या उधार से दूर ये है। भी अब्बा ने हमारे समझाया कि अपने पैसे किसी को मत दो, किसी का पैसा खुद मत लो। अगर उधार देना है तो अगर फॉर इंस्टेंस किसी की डिमांड ज्यादा है तो उसको उतने दे दो जितने आप बर्दाश्त कर सकते हैं, वापस नहीं आएंगे। मुश्किल में नहीं बड़ा, मुश्किल ना करें अपने, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए, ना दूसरे के लिए। ठीक है जी, यासिर हुसैन या यासिर नवाज है? यासिर हुसैन या यासिर नवाज, दोनों यासिर है। नहीं वो तो मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि यासिर कौन सा है इनमें से, एक टन का एक टन का बहुत आला भाई, बहुत आला, एक एक टन का है, एक डेढ़ टन का है, वेरी गुड। और हमें पता है कि कौन कौन सा वाला है, और दोनों गर्मी भेज रहे हैं इन्वर्टर है ना इन्वर्टर बहुत अच्छे। अच्छा जी, ग्लासेस या कॉन्टैक्ट्स? ग्लासेस। ठीक है जी, सैयद अली रजा उसामा या वजाहत राउत? डिफिकल्ट क्वेश्चन, नो सीरियसली, बिकॉज़ मैंने वजाहत की कोई 4 से 5 सीरियल कर चुकी हूँ, विच इज नॉट स्मॉल, तो हम समझे कि उसामा भाई ठीक है ना, दोनों बहुत आना है, आगे नहीं खेल रहे भाई। हाँ, अच्छा, पैसेंजर या ड्राइवर? पैसेंजर या ड्राइवर, ये क्या मतलब, खुद ड्राइव करना पसंद करती है पैसेंजर बन के बैठ? आप पैसेंजर, पैसेंजर ठीक है जी। ताहिर शाह या उष्णा शाह? ये ताहिर शाह कौन? आई टू आई, फेमस एंजल आईज। हाँ वही उसके साथ उष्णा का क्या लेना देना? नहीं नहीं, तो आप बताएं, आपने एक शाह की बात कर रहे हैं, तो शाह उष्णा शाह ठीक है जी। मुइन अख्तर साहब या उमर शरीफ साहब? अरे भाई क्या ये, तो देखो ना, देखो लेट मी से दिस के ये तो आपने ऐसा सवाल किया है कि बिल्कुल भी जो है वो मुइन भाई की क्या बात और उमर भाई की क्या बात, आप ये गलत सवाल, गलत सवाल यार, आपको सॉरी सर, मैं माजर चाहता हूँ, ये सवाल गलत। बर्गर या बन कबाब? बन कबाब, बन कबाब ठीक है जी। बचपन या जवानी? जो वक्त है वो मुझे कभी नहीं वो हुआ सीरियसली कि ओह मेरी जो बहन है ना एक, वो आती है पाकिस्तान तो मैं अपना कॉलेज देख लूँ, अरे भाड़ में डाल मैंने कॉलेज देख लूँ, मैं अपना स्कूल देख लूँ, भाड़ में डाला, अरे जो वक्त गुजर गया उसका शुक्र अदा करे, जो आने वाला है उसकी फिक्र ना करे, जो है ट्राई टू लिव इन दैट। क्या बात है, एक्सेप्ट करें, जैसे आपने शुरू में कहा जो आपकी जिंदगी है। आपको ना पहला सवाल करने से मना किया था, आप उसका सवाल ही नहीं, नहीं आप अपनी देख देख के लिस्ट बढ़े जा रहे हैं, यार आप इसमें बोलेंगे करें, करें, बात यह है कि चलें आप आपसे मैं आसान सवाल बोलिए, तो मुकाबले करवा रहे हैं, आसान सवाल मुझे पता, चलो बोलो। नहीं नहीं आसान, ये बताइए हाँ क्या, चावल हाथ से खाती है चम्मच से? हाथ से, हाथ से खाती है। ये बताइए चिकन को, आगे बात करेगा, नहीं नहीं चिकन या बीफ? चिकन। समंदर में जाके घूमना फिरना या पहाड़ों में घूमना? कोई घटिया सवाल आने वाला है? नहीं नहीं, अच्छा नहीं। हाँ, क्या क्यों एक्सपेक्ट कर रही है कि तू घटिया सवाल करेगा? मैं हूँ घटिया, लेकिन शो में मैंने वाला कैरेक्टर छोड़ा हुआ है। समंदर ज्यादा पसंद है या पहाड़ पसंद? ओहो क्या ये बकवास है, मैं समंदर ज्यादा पसंद है, पहाड़ भाई जहाँ चले जाए वो जगह अच्छी। नहीं मुझे पहाड़ पता चल ना, जैसे अभी अमरीका पहुँच गया 10,000 मील दूर और 21 घंटे की फ्लाइट करके चले कहीं और चले, अरे मैंने कहीं जो अभी इतना अजाब झेल के आया, इसकी बात मजीद, ये जो मैं 21 घंटे बैठ के आई हूँ ये तो देख लेना, मजीद कहाँ जाना है। अच्छा अपनी अपनी सालगिरह, अपनी सालगिरह मनाती है आज? हाँ मनाती है प्रॉपर तरीके से, केक वेक और से सब कुछ हो रहा है अब आज से मना, ठीक है पहले मैं डंडे के जोर पे मनवाती हूँ ना, मुझे कोई बर्थडे मेरे बहन भाइयों से विश करे फिर देखो। अच्छा ये बताएं, जब बहुत सारे मेहमान आ जाएं तो क्या प्रेफर करती है, कि जितने ज्यादा हो खुद पकाऊंगी या ज्यादा आगे तो बाहर से मंगा? खुद पका, जितने भी हो कम से कम 60 से 70 लोग, 60 से 70 लोगों का खाना खुद बना ले जी, तो ये तो बाकायदा केटरिंग होती है, वो घर में चलती है। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा जी, पैसा प्रेफरेंस है या फ्री टाइम प्रेफरेंस है? पैसा हो तो फ्री टाइम बहुत अच्छा लगता है, पैसा ना हो तो फ्री टाइम बहुत अच्छा, सब बकवास, ये सब झूठ है। और जो शख्स ये कहता है ना कि कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ झोपड़ी में गुजारा कर लूंगी, वो झोपड़ी में जाके जो उसको चप्पल उतार के मारती ना, फिर वो ये मुझे फेक बात उसकी झोपड़ी लाल कर देती, ये अपना कैरेक्टर लेकर आई है साथी वाला ना। नो 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 नो, दिस इज ऑल फेक, दिस
ऑल फेक, आंख खुलती है तो पैसा शुरू। देखिए पैसे को आप खुदा ना बनाएं, लेकिन ये जो अल्लाह की नेमत है ना, इसे आप ऐसे नहीं ठुकरा सकते। जरूरी है, इससे बहुत सी चीजें आप देख लीजिए। सही बात। अभी हाँ मैं बता रही हूँ, अभी कोई रिक्शा में, मैं प्रैक्टिकल है, मैं 10 दफा उनको फोन कर देती कि मैं बाहर आई हूँ, वो कहती खड़ी रहे बाहर। अपने पर आजमा के देख लें आप, हमारे पास है 100%। आगे बात करो, घर में पेट रखना या पेट नहीं रखना? रखे थे, भेज दिए। कौन से पेट रखे थे? कौन सा पेट था? कुत्ता बिल्ली, ऊंट ऊंट तो रखने से नहीं, नहीं तोते मछलियां, तोते हैं, तोते हैं, वो कुछ नहीं कहते, वो कोने में बैठे सेटल रहते हैं। तो निकाला किसको आपने? कुत्ते को तो निकाला, बिल्ली खुद निकल गई, बिल्ली खुद चली गई। बिल्ली तो वैसे भी भाग जाती है। ठीक है जी, ये बताएं इंजेक्शन या टैबलेट क्या प्रेफरेंस है? इंजेक्शन लगवा लेती हैं? हां, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं। आसिम तो अच्छा, इंजेक्शन से प्रॉब्लम है? अरे अरे नहीं लगा, अरे गजब खुदा का, लगता है जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, कोई कोई मैदान जो है वो जंग शुरू होने वाली है इंजेक्शन से। ओके, मेल को एक्टर्स या फीमेल को एक्टर्स? मेल को एक्टर्स या फीमेल को एक्टर्स? दोनों, मतलब दोनों से क्या बात है भाई, खाली खवातीन के साथ आप कितना काम कर लेंगे या खाली मर्दों? ये कौन से काम की बात कर रहा? नहीं नहीं, मैं खाली अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा। अच्छा चलो ठीक। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान से जब बाहर जाती हैं आप तो वही कपड़े पहनती हैं जो यहाँ पहनती हैं, या वहाँ जाके फिर उनकी जैसे इंग्लिश हो जाती हैं? जैसा देश का सब अंग्रेजी जाते हैं, अब वहाँ जाके बंदा बुरखा लेके सड़क पे लटकाता फिरे तो अच्छा लगेगा? ये बेकार की नहीं, ये बेकार, एक सेकंड फजूल बातें हैं, चुप हो जाओ, ये यहाँ पे बेकार है। एक सेकंड, यहाँ पर अब पता चले आप किसी ऐसे इलाके में जो कोई सा भी नाम ले लें आप, ठीक है, फर्क पड़ता है, बल्कि उसके पार जाके अगर आप बुरके लटकाते फिरेंगे और वहां जाके अगर आप जीन्स पहन ले टाइट और छोटी सी कमीज पहन ले तो खुद ही तमाशा बन रहा है। छोटी सी कमीज, तो आप जहां रहें वहां के जैसा देश वैसा देश वैसा भेज कर लें तो कोई हरज नहीं है। ठीक है, तो आप क्या प्रेफर करती हैं? यही तो पूछ रहा हूं। अगर किसी जैसे अमेरिका चले गए, हाँ चले गए आप वहां, आप सलवार कमीज पहनो कि कहीं अगर किसी घरों में दावत में जा रहे हैं तो अपने ये ऐसी कपड़े पहन के जाते हैं, ठीक है, और बाजार जाना है तो जाहिर है जरूर है 10 लोगों को पलटा के दिखाना है कि कौन जा रहा है। ये भी ठीक है। अच्छा जी, ननियाल या ददियाल, कहाँ ज्यादा बनी आपकी? ददियाल, ददियाल में ज्यादा बनी। ननियाल से क्या नाराजगी थी आपकी? ननियाल से नाराजगी है, थी भी और है भी। ओए होए, कि वो हाँ वो हर शख्स जो है वो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर बाहर गए बारिश हो, अरे भाई जब होगी तो आए कर ले, नहीं करते चले जाए, नहीं जाए, अरे हाँ। भाई जाओ ना जाओ, एक बात करो, ददियाल हमारा कट टू कट है, जाना है, ओके गो, कट टू कट, कट टू कट यार, क्या जुमला, ददियाल कट टू कट, कट टू कट भाई, वेरी गुड। आखिरी सवाल है, कट टू कट, अल्लाह आपने जवाब देना है, और उसमें स्कोरिंग है, इसमें बिल्कुल डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। आपको मैंने डिप्लोमेसी तो चढ़ाई नहीं, सॉरी, एक जगह किया आपने, दोनों बच्चियां बहुत अच्छी हैं, नहीं आपने शायद, और माहिरा खान दोनों बच्चियां बहुत अच्छी हैं एक्टिंग में, हमने पूछा ही नहीं एक्टिंग, हम तो कह रहे हैं महविश हयात या माहिरा खान, आपने कहा दोनों बच्चियां अच्छी हैं भाई, हम भी कह रहे हैं दोनों बच्चियां, महविश से मेरी ज्यादा दोस्ती है और मायरा से आजिम की दोस्ती है, तो आप बताएं, तो दोनों अच्छी है ना, आपका और है ना, आप बोले भाई महविश हयात कोई मसले वाली बात नहीं है, मसले वाली तो कोई बात नहीं, फिर आपने क्यों बोला दोनों बच्चे, ये क्या बात हुई, है ही दोनों अच्छी, तो फिर अच्छी है, क्या करें, हाँ तो हम भी यही कहते हैं, अब तराजू ले लें, एक को इधर बिठा दें, एक को उधर बिठा दें, महिरा खान का तो हमें एक का गलत बात, और फैसल कुरैशी ने भी बताया कि वो बहुत अच्छी है, तो वो तो हमें पता है, महविश का हमें हुमायूं सईद आदि या फैजान? वाह जवाब कर लो जो आपने करना, अच्छा मेरी शूट है, गुल्लू इसका जवाब जरूरी है, ये देखो जरा, बहुत जरूरी है, नहीं ये गैर जरूरी है, मजा तो सुन ले, इतनी देर से हम जलील हो रहे हैं, दोनों को बराबर का जलील कर, अरे स्कोर बोर्ड चल रहा है जरूरी, नहीं मुझे नहीं जीतना भाई, जीतना आपको नहीं, हमारा आपस का चल रहा है, हाँ तो चला लो स्कोरिंग, आप करेंगे तो हमारा सेट है, ढाई ढाई नंबर दे, ढाई ढाई नंबर, पांच नंबर का सवाल नहीं है, हाँ तो 10 का होगा, पांच पांच, एक एक का बस, आधा आधा, नहीं प्लीज ना भाई ना, नहीं इसी में आप 20 मिनट निकल जाएंगे भाई, प्लीज ना, एक आप जल्दी आज तक नहीं, नहीं नहीं बिला बजे की बात, जल्दी जवाब दें, फिर ये स्टफ टॉय रखा है, मैं गाना सुनाऊंगा, चलो भाई गाना सुनो भाई, एक आपको दे देना प्लीज, एक क्यों ऐसी बोल दे, आप आदि बोल दे, सवाल ही नहीं पैदा, अच्छा मैं काम करते हैं, हम दोनों कान बंद कर लेते हैं, आप बोल दो, क्यों 50 लोग जो खड़े बह रहे हैं सारे, चले लिख के दे दें, नहीं क्यों लिख के दे दें, एसएमएस कर दें, नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता, यार मजेदार शो ये माशाल्लाह 64 लोग हैं, इन सब ने एक एक जवाब दिया है, सब मैं तो नहीं दूंगी, इवन ये जो खातून है परवीन अकबर, ये इसको वोट देके चली गई, पता नहीं क्यों, हु केयर्स,
तुम्हारी अम्मा थी आसानी से उसको वोट देके चली गई। मेरी बेगम है ये उनको वोट देके चली गई। वो भी अच्छी बात है, वो तुम्हारी बेगम है उसकी बेगम हो। अरे तो मेरे वोट गिर रहे ना गुल्लू, वोट दे मुझे, मेरे वोट गिर रहे हैं, समझ ही नहीं। जो कल आए उससे वोट ले लेना भाई, आप दे देना वोट, क्या है एक दे दे यार। आगे चलो नेक्स्ट। गलत जगह स्टैंप लगा दे, बोल दे। नहीं क्यों लगा दे? नहीं भाई नहीं मानेंगे। अच्छा पता है इमरान खान का कोई वो चल रहा है। अच्छा मेरे नाम अभी मैं एक अल्फाबेट पढ़ूंगा, आपने बताना उससे क्या बनता है, ठीक है? एफ ए आई, ये देखो, और जो जो मैं जो बोल रही हूँ एफ ए आई जेड ए एन आदि, एफ ए आई जेड ए एन आदि। बेटा तुम पता नहीं तो किससे खेल रहे हो। एफ ए आई जेड ए एन आदि घर चला जाऊंगा जवाब नहीं दूंगा। तो मेरा नाम वेरी गुड जी, आप जीत गई, कोई मसला वाली बात। हम आपको आज का पॉइंट दे, काशिफ भाई क्या सुनाने लगे हमें आप? मुसर्रत नजीर साहिबा का एक गीत पता है क्या आप सुनाने लगे? बिल्कुल करी करी सुना दे, चले जी जल्दी से। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता, हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से दिलाओ, अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से टिलाओ, मिलेगी उसके चेहरे की सहर, आहिस्ता आहिस्ता, हाँ मिलेगी उसके चेहरे की सहर, आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता 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 आहिस्ता। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदि आदि लमजद, उनके साथ मौजूद है गुलाबा। मजेदार 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 मजेदार। मैं एक बात कहना चाहती हूं। हां जी प्लीज। जो अभी मुझे एक ब्रेक में जो याद आई, देखो हम जो है बहुत कंजूस वाक़ हुए हैं सब लोग। हम किसी की कोई सीरियसली मजाक के अलावा, इस बात को मजाक में मत लेना, किसी की कोई बुराई हमें हाथ आती है, सॉरी तुम लोग अगर सेगमेंट नहीं, 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 प्लीज, प्लीज। किसी की बुराई अगर हमें हाथ आती है कुछ जरा सा सुन भी लेते हैं ना, तो हम एक मिनट लगाते हैं उसको फैलाने में, उससे बात करने में। किसी की अच्छाई अगर होती है ना तो वो कहते हैं हाँ ये तो है, ये आपको पता है ये एक किसी की अमानत होती जो उसके पास पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल। और तुम्हें पता है मैं इस वक्त किसकी अमानत किसको लौटाना चाह रही हूँ? जी प्लीज। तुम दोनों। अरे हैं? मैं मजाक के अलावा ये बताऊं कि ये दोनों बच्चे जो है ना, मुझे कौन सा कैमरा देख रहा है या क्या कर रहा है, तीन ये फजान और आदि, ये दो नाम ऐसे हैं कि मैं अपनी जिंदगी में ये कह सकती हूँ, इनको शायद ना पता हो इनका रोल है मेरी ज़िंदगी में। आसिम जब छोटा था, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आसिम बहुत छोटा है, बट आसिम इज़ 23-24, ठीक है? तो जब मैं सेट पे आती थी और जब मैं फैज़ान को देखती थी और जब मैंने आदि को देखा, तो अब फैज़ान को याद आएगा कि मैं फैज़ान से कहती थी कि फैज़ी तुम आसिम से दोस्ती करो, क्योंकि मैं आसिम के दोस्तों के लिए बहुत पर्टिकुलर हूँ, बहुत ज़्यादा, कि कौन से दोस्त होने चाहिए। इन दोनों लड़कों में मुझे वो खूबियाँ नज़र आईं कि मैं ये चाहती थी कि ये मेरे बेटे के दोस्त बने ताकि वो ठीक रास्ते पे रहे। आपकी मोहब्बत है, आपकी बहुत मोहब्बत। नो 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 नो, इसमें मोहब्बत की फिर कोई बात नहीं है। नहीं, नहीं, ये मेरी अपनी नहीं नहीं नहीं, मैं चाहती थी कि मेरा बेटा अच्छे रास्ते पे हो ना, इस वजह से मैं चाहती थी कि मैं अच्छे। मुझे लोग कहते हैं आसिम की तरबियत कैसे की है, मैंने क्या आसिम की तरबियत करनी है,
जो चीज़ अच्छी थी उसको कॉपी कर लिया, जो बुरी थी उसको छोड़ दिया, तो शायद अल्लाह ने उसका ये नहीं। लेकिन ये आप इतने आपने इतने आसानी से बता दिया, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। और वो नजर, मैंने जैसे कहा आसिम के साथ आप टाइम स्पेंड करें तो आपको अंदाजा होता है और आपको वाकई फील होता है, बिकॉज उसमें इतनी भी, जैसे कहते हैं ना, इतनी भी वो चीज़ नहीं है कि यार मैं एक स्टार हूँ माशाल्लाह से। वो उसी तरह हमारे साथ बैठ के खाना खाता है, मैच में भी हम लड़ भी रहे होते हैं, फील्ड पे मिस फील्ड हो जाए या फिर वो हमें छक्का पड़ जाए तो आगे कहते हैं फैज भाई कोई बात नहीं अगली बॉल अच्छी कीजिए। तो मतलब वो फील ही नहीं होता कि हम किसी स्टार के साथ घूम रहे हैं माशाल्लाह। फील हो भाई, इसको फील होने दोगे तो होगा ना फील। ये तो यही तो कह रहा हूँ ना, वी लव यू, थैंक यू सो मच आपने। मजाक के अलावा तुम दोनों में देयर हार्डली फ्यू पीपल इन इंडस्ट्री, मैं सच कह रही हूँ बिल्कुल। आप कहते हो ना कि जी डिप्लोमेसी से, नहीं मैं नहीं लेती डिप्लोमेसी नहीं, से हमें पता है आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती इस बात। किसी एक एक्टर ने पूछा पापा मैं ये एक्टिंग जारी रखूं, मैंने कहा नहीं बेटा तुम बैंक हबीब बैंक। डेढ़ से दो मिनट में कोई एक दलील हो जाते हैं और असर ही नहीं है ना, बिल्कुल फिल्टर ही नहीं है वो वाला। नहीं, क्योंकि उसने आगे बड़े से पूछा क्या कहती हैं आप मेरी एक्टिंग के बारे में। मैंने कहा बेटा तुम अभी बैंक में बिल्कुल सेट हो, कुर्सी पे सेट हो, वहीं रहो। वेरी गुड, आपको मैं कुछ हिंट्स दूंगा। अच्छा, आपने फिल्म गेस करनी है और बड़ी आसान चीजें, और इतना आखिरी हिंट ये कि काशिफ भाई गाना सुना देंगे आप, तो आप उससे मुझे लगता है गेस कर ही लेंगे। पहली हिंट है पहली फिल्म की, चॉकलेटी हीरो वहीद मुरासा। वहीद मुरासा बिल्कुल। हीरोइन का असल नाम था झरना। शबनम साहिबा। ठीक है, गाना है मशहूर जो कि आपको काशी भाई सुनाएंगे, वो सब याद होगा, फिल्म का नाम नहीं याद होगा। अभी देखते हैं ना, सुनाएं काशी भाई गाना जल्दी से। ऐसा गाना सुनाना जिसमें फिल्म का नाम भी हो। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं। गाना भी पूरा आता है, गाना पूरा आता है। कुछ लोग पता नहीं कुछ भूल भुलैया सी कुछ पर गुनगुना दे साथ अगर आपको गाना। हाँ हाँ, थोड़ा सा ऐसी हल्की सी हल्की आँच पे सुन गुनगुना दे जरा सा। नहीं ना, फिल्म का नाम नहीं आता। नहीं, गाना गुनगुना दे, हम आपको फिल्म का नाम खुद दे देंगे, गाना हल्का सा गुनगुना दे। काशी भाई साथ बैठे। कुछ लोग रूठ कर भी क्या बात है, लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग। क्या बात है, फिल्म का नाम है चुप रह के भी नजर में और के। इशारा होगा शायद नाम फिल्म का। नहीं, अंदलीब। अंदलीब, देखा बता दिया मैंने, जिन्होंने बनाई थी उनको भी नाम याद बता दिया, दिया। हाँ जी, अगली फिल्म पे चलते हैं। हीरो है टॉल एंड हैंडसम शहंशाह जज्बात। मोहम्मद अली साहब। यार कितना आसान है आपके लिए। हीरोइन और हीरो की असली बीवी ज़ेबा साहिबा। ठीक है, गाना सुनाएंगे जल्दी से काशी भाई। फिल्म का नाम फिर नहीं आएगा। गाना आपको आता होगा। गाना आता होगा 100%। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में एक रोशनी। फिल्म का नाम फिल्म होता है, फिल्म जिंदगी की राह, रोशनी जिंदगी रा दिया और पता नहीं तूफान आग, आग 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 का नाम है आग। अब आप मुझे बताएं। हाँ, क्योंकि मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं फिर भी लड़का लड़का गेस करेगा आपको। आयशा उमर। आयशा उमर, आयशा उमर। हाँ, अहमद अली। हाँ, ट्रक। हाँ, जीप। हाँ, सफर। तो फिल्म बताएं क्या करें, फिल्म बताएं। हिंट दी है मैंने आपको। हाँ, ये सारी हिंट थी। जीप, आयशा उमर चुकी है। हाँ हाँ, हिट भी हुई है। आयशा उमर, अहमद अली, जीप। इसका आज पे हिट हो गया, मतलब हिट थी फिल्म ये। तू क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं कौन बैठ रहा है हमारे साथ। इसमें मैं नहीं, कहां दलील हुई। अहमद अली। हाँ, आयशा उमर, जीप, सफर। हाँ, वजाहत रऊफ। वजाहत रऊफ, यासिर हुसैन। पता नहीं, या तो लाहौर से कराची होगी या कराची से लाहौर। कराची से लाहौर, वेल डन। या पिशावर से कहीं और। पिशावर। ठीक है, हीरो हीरोइन मशहूर फिल्मी जोड़ी, सुपरहिट फिल्म। हीरोइन मुल्क छोड़कर चली गई। ठीक है, गाना सुनाएंगे आपको मिस्टर काशिफ। वादा करो साजना, बहुत मशहूर है। छूके मुझे तुम अभी जीवन की सिराह में, शबनम नदीम। हर धूप में छाओ में बिछा। आईना, 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 क्या बात है, आईना जी आईना। Well done. जो सेट पे नहीं मिला। जो सेट अच्छा, पे मिला था इतना सा। हाँ, आईना नहीं था। एक और हिंट। हाँ, हीरो। ओके तुम? नहीं नहीं, मैं नहीं। हीरो। हाँ, हीरो। हीरोइन।
हीरोइन नहीं जा रही है, हीरोइन नहीं जा रही भाई, ना जा हीरो फिल्म का नाम बताएं। हीरो कह रहा चल, जब वो जा ही नहीं रही तो हम क्या करें। हीरो कह रहा चलो फिल्म में हुआ है, वो कह रही मैं नहीं जाऊंगी, हीरो पंजाब नहीं जाऊंगी। अरे वाह भाई वाह, बहुत अच्छे कर रही है। अच्छा एक मशहूर कॉमेडियन जो पहली बार, एक बात बताओ वैसे ये जो अभी जो पिछले गाने हो रहे थे ठीक है, वो फिल्में हमारी थी। हाँ, बिल्कुल। ये जो दो चार नाम लिए हैं ये फिल्में हमारी नहीं है, ये आप देख देख के बनाते रहते हैं, वही आइटम सॉन्ग, वही कपड़े, वही चीज, वही फॉर्मूला, तो ये हमारी फिल्में तो नहीं है ना। तभी तो आपको देखे ना, अभी भी ये वाली फिल्में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी भी याद है, नाम याद है, इनके गाने अभी भी सदाबहार हैं। मैंने आपसे क्या कहा, आपने सिर्फ नाम आपने सिर्फ बताया है, और कैसे हो सकता है कि हीरो और हीरोइन का नाम ना पता। बिल्कुल सही कह रही हैं, अभी हमारी चीजें नहीं है। क्या पूछ रहे हो फिर तुम, क्यों पूछ रहे हो? उर्दू के क्लासिक नॉवल पर मबनी नहायत कामयाब फिल्म, हीरोइन के शानदार रक्स, ओ उमराव जान। अरे भैया अभी तो गाना भी नहीं गाया था, क्या बात है, कर रही हैं आप क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अच्छा जी, एक मशहूर रोमांटिक लोक दास्तान पर मबनी पंजाबी सुपरहिट फिल्म, रांझा। यार ये तो मतलब सेगमेंट छोटा कर देंगे, आपने तो हमें बना के दिए। यार इसका गाना सुना दो प्लीज। नहीं मैं आपको बताऊं, एक सेकंड, उमराव जान और ये हीर रांझा, हाँ जी, हमारे पड़ोसी मुल्क ने भी कितनी दफा बनाई है, और लेकिन आपको पता है जो हीर रांझा पाकिस्तानी और जो उमराव जान पाकिस्तानी है, वैसा ना कोई कंटेंट बना सका, वैसे ना कोई डायलॉग बना सका, ये दोनों फिल्में हमारी कोई बराबर पे भी नहीं आ सका। और इसके गाने हीर रांझा के गाने, एक हर गाना सुपरहिट, एवरी सॉन्ग इज सुपरहिट, क्या बात है, क्लासिक है वो जी। हीर रांझा का गाना सुनाइए मेरा मशहूर वाला, सुन वंजली दी मीठी मीठी तान वे, मैं ता हो गई पुरवान वे, मैं ता हो गई पुरवान वे। क्या बात है, बेगम उनसे हसीन कोई हीर ही नहीं बनी, क्या बात है, बहुत अच्छे। इजाज़ साहब से भी 2 इंच ऊंची हीर। 2 इंच ऊंची, ओहो अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। उससे पहले मेरा आसान वाला, अरे धोती, चलो मूछे, डंडासा, खेत, ओ, ओ, आ, काम आ, क्या ऐसे तो कोई 200 फिल्म नहीं है सोनिया। मौला मौला जट, मौला जट, क्या बात है भाई। अच्छा जी, एक डाकू और एक रकासा की मोहब्बत और बनने वाली शानदार अदाकारी और बेहतरीन डायलॉग से भरपूर शाहकार फिल्म, थक गया बहुत लंबा जुमला है। हाँ जी काशी गाना सुनाए, अच्छा नहीं सुनाएंगे, कोई बात नहीं, आता नहीं, ओहो उसके बाद वाला सुना लो, कोई बात आता काशी भाई, ठीक है। लव स्टोरी पर बनी बाबरा शरीफ की एक लाजवाल फिल्म जिसने पाकिस्तान ही नहीं चीन में भी धूम मचा दी, मोहिउद्दीन साहब के साथ जो थी फिल्म का मोहब्बत है, नहीं मोहिउद्दीन साहब के साथ मोहब्बत, नहीं एक सेकंड, नहीं मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम है मोहब्बत, सुनाए गानी था मोहब्बत। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। आखिरी फिल्म, ये ऐसे गाने ना बकवास लगते हैं मुझे बिल्कुल, ये दुनिया रहे ना रहे, मैं कहती हूँ अभी को मर जाए ना तो वो अगर ख्वाब में भी आ जाए ना तो बंदा अल्लाह अम्मी कह के उठ के भाग जाता है, फजूल की बात है ये, बेकार ये दुनिया रहे ना रहे मेरे, एक बात है प्रैक्टिकल को करना ही नहीं किसी ने भी, फिक्शन थोड़ा सा डालते ना फिल्म में ऐसे। अच्छा जी आखिरी फिल्म है, एक गरीब तांगे वाले और उसकी मासूम बेटी पर लगने वाली बदनामी के दाग की, ओ ये झुमके कहाँ से आएंगे, कहाँ से आए हैं ये झुमके, ये हाँ सुने ना, गोल्डन जुबली फिल्म जिसका डायलॉग था कहाँ से आए हैं ये झुमके, ये तो मैंने बता दिया ना, किसने पहनाए हैं ये झुमके, क्यों पहनाए हैं ये, बता ये कहाँ से आया ये झुमका, साथ के बेटा सेट क्यों नहीं लिया पूरा, सिर्फ झुमके पे क्यों राजी हो गई, असल गुस्सा बग ये यही था कि बकाया कहाँ है, 1500 लेके गई थी खाली झुमके ले आई है, बकाया कहाँ है, 6 चूड़ियां का 2 कड़े का चोट, हाँ वो भी मैचिंग के मांगे थे, फिर खा के आगे गोला गंडा पैसों का, असल बात ये थी, ये थी ना मसला, ये था फिल्म का, लेकिन क्या मशहूर डायलॉग था, कहाँ से आए ये जो फिल्म का नाम क्या था, ठीक फिल्म का नाम झुमका नहीं, फिल्म का नाम था फजूल खर्ची, काशी भाई फजूल खर्च, मेरा मतलब गाना सुना है झुमके, फिल्म का नाम था झुम, अरे बाबा अरे भाई बाबा, बड़े बेमुराद क्या गाना है यार, सुरैया मुल्तानी का, तो क्या गाना है यार, नाम पता है,
सिंगर का नाम बताओ। दिल लगा कोशिश न करना, बड़े बेमुरवत है। क्या बात है जी। सिंगर का नाम बताइए। काशी भाई अपना नाम बताइए जरा। जी नहीं, जो इस वक्त दुख में होंगी उनका नाम बताइए। बताइए बताइए, अगर आप मर्द हैं तो बताइए। नहीं नहीं, वो कह रहे ये अलग सवाल है, अगर आप मर्द हैं तो बताएं कि हाँ मैं हूँ। एक सेकंड, चलो भाई बताओ सिंगर। यही बताइए। सिंगर का नाम था। हाँ जी, थानी है। है सलीमुल्ला कुरैशी। वेरी गुड। खातून ने गाया ये बेटा। एक सेकंड, एक सेकंड, अभी जो दो जुमले इसने कहे ना वो पलटा दें। हाँ जल्दी से, अगर मर्द हो तो बताओ। मर्द हो तो बताओ। बड़े बे क्या बात है, नहीं कह सकते आप ये हुसन वाले। आप डिटेल बताएं। ये हुसन वाले ये इधर इशारा करके नहीं कह सकते। आप डिटेल बताएं क्या इसी नंबर बता। नहीं, सुरैया मुल्तानी का। सुरैया मुल्तानी साहब ने गाया ये गाना, बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा जी, अब आगे चल रहे हैं। अच्छा आप नहीं, क्या क्या अब हम दोनों ना मिलके इससे पूछते हैं एक फिल्म है। हाँ मैंने क्या बिगाड़ा है, बैठो रिलैक्स। मैंने क्या बिगाड़ा, रिलैक्स। अच्छा मैं बिना वजह कैस बन जाऊं। हां ना, क्या एक फिल्म पूछे, हिंट दें इसको। ये मैं कहां पकड़ पाऊंगा भाई, क्या पता क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं पता। ये इसकी बहुत वोकैबुलरी है यार। मैं तुमसे पूछता हूं, लड़का नहीं जा रहा है। चलो रहने तो नहीं जा रहा। नहीं नहीं, रहने तो नहीं। लंदन नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, ये बाप का पैसा है। मेरा वीजा नहीं है, कोरोना हुआ है, कोई कहीं नहीं जा रहा। मेरे पास वीजा नहीं है। हां मेरे पास वीजा, इसलिए नहीं जाऊंगा यार। मर्दी मेरी। हां आपको क्या, आपको क्या। अच्छा जी, अब है जी कंप्लीट द सॉन्ग। मजेदार 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 मजेदार। आपको ये अंतर सुनाएंगे, आपने अस्थाई गैस करनी है। मुझे लगता है इसमें तो आपने ऐसी तैसी फेर देनी। नहीं, और दिल करे यही ना तो। नहीं नहीं, मुझे पता है आप कर देंगी ये। आसान है, कंप्लीट द सॉन्ग खेल रहे हैं जी। आइए जी कंप्लीट द सॉन्ग जी। भाई काशफ कम ऑन। इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पोंछेगा। अभी तक ये चल रहा था गुलाबों को सबात है, अब ये नहीं चलेगा। इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पोंछेगा। हाँ जो करीबी होगा वो। इस बस्ती में यार कौन रिपीट पे लूप मिला के छोड़ दिया उसको। आंसू पोंछेगा तेरी। कोई तो पोछेगा, छोड़ो जाने दो। बहुत सारे लोग करते हैं, कोई ना कोई आंसू पोछ देगा। खैर मसाला थोड़ी बता रहा गाना का। चलो गाना कंप्लीट कर। जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है, आता था मुझे उसका दामन भीगा लगता है। तुम भी पागल हो जाओगे ऐसा लगता है। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। तो भाई हम भी पागल हो जाएंगे। तुम भी पागल ऐसा लगता है। अबे और कितना होगा, और कितना होगा भाई। काशी भाई 1 पॉइंट, आपा 0, फैजान 0, मैं 0। चलो काशी भाई 1 पॉइंट। क्यों, जो उन्होंने कहा है ना हम बता नहीं पाए। वो दीवारों से बातें कर रहा है, अच्छा लग रहा है तुम्हें। पागल सा लग रहा है। हां जी, पागलपन वाली बात है ये, बेकार की। अगला गाना काशी भाई, कैसे गाने होते थे एक सेकंड, पहले कैसे गाने होते थे। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। घटिया घटिया घटिया, सच्चे गाने थे सच्चे। कोई नहीं, इसमें क्या सच्चाई है। हां दीवारों से कौन बातें करता है, करते हो तुम। मैं तो दीवार से बातें। नहीं नहीं, सारे लोग चालाक होते हैं, कोई कितना पागल नहीं होता, सब बेकार। कोई नहीं करता दीवार से बात कर लोगे। जो निवाला यहां कर करता है वो सब ठीक है बेटा, छोड़ दो। मासूम लोग थे ना। हां जी जी तू मिला है, अरे इतना आसान है। एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी और थोड़ा सा उसी के सुर से गाऊंगा। सुनाए ना जरा सा गमे दौरा का भी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान। तो अजीब कसाई का बच्चा था बिना वजह फजूल। ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं होता। मेरी जान
तुझे चाहूंगा। अजीब कसाई का बच्चा। ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती गुलाब। ये भी झूठ है। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे कैसे चाहेगा भाई? जिंदगी में तो लड़ मर के गुजार दिया, मरने के बाद कैसे चाहेगा? तेरे बस में ही नहीं है। जैसे मैं कभी अपनी बहन के पास चले जाती हूँ, जो पुराने घटिया गाने, पता नहीं पुराने गानों में इतनी अफसुर्दगी, मर जाएंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अरे भाई कोई जिंदगी की बात कर लो, गजब खुदा का कुछ सेलिब्रेट कर लो। हाँ, और आपको पता है, देखिए मैं आपको बताऊं, हर चीज का असर होता है। आप जैसे करेंगे, शक्करखोरे को इंसान अल्लाह ताला शक्कर ही देता है। बिल्कुल सही। आप घटिया गाने, ये मर जाएंगे और लुट जाएंगे और क्या फजूल। तो मैं कहती हूं बंद करो ये बकवास, ये फजूल की नहीं। लेकिन ये बहुत ही जिद्दी आदमी है, मर के भी नहीं छोड़ रहा। हां वो फजूल। हां वो एक वो मांगड़ के रखा है उसको। घुंघरू की तरह बजता है। अरे भाई क्यों बजते रहे, पागल हो क्या? मसला है तुम्हारे साथ? पागल हो, अल्लाह ने अकल ली थी, क्यों बज रहे क्यों बज रहे हो भाई? मुझे लगता है आज के शो में हमें एक गाना गा के बस चुप हो जाना चाहिए। हाँ, उसमें गुलाब बता दी शायर इस शेर में ये कहना चाह रहा है। कुछ नहीं कहना चाह रहा, शायर बकवास, शायर शायर ही नहीं है। बिल्कुल लाओ आ गया। पता नहीं जो 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 सुनने वो अच्छे अच्छे गाने गाओ ना, भी इतने अच्छे अच्छे गा रहे थे। जब शाम घर लौट आऊंगा, अरे वाह, हंसती हुई तू मिलेगी, जाएगी सारी सोचे, बाहों में जब थाम लेगी। अब ये भी झूठ है। हाँ ये कितना झूठ है, ये भी झूठ है। हस्ती भी मिलेगी, बाहों में छोटा सा घर तुझको, वो कहेगी अपना घर अपने पास रखो, छोटे घर की जरूरत नहीं। इस गाने की जो पांच लाइन है वो ये जैसा, इस गाने की पंचलाइन ये कि छोटा सा घर तुझको दूंगा, गरीब गरीब वापस रख ले तो नहीं चाहिए। हाँ, रहेगा कौन रहे? हाँ, छोटा सा, सारी चीजें गरीबी वाली गवाए ना थोड़ा सा गाए ना, और इतना तरसा हुआ है कह रहा है बाहों में लेगी सब भूल जाओ। वही तो गाएं, गाएं। ये वो वाला बकवास है ना कि वो एक देखता है अपने दोस्त को ना कि वो अपनी बेगम से बहुत अच्छे से मिलके आता है, तो वो भी देख रहा होता है कि अच्छा बेगम से जाके कैसे मिलते हैं। तो जाके वो अपनी बेगम दरवाजा खोलती, घंटे में आता तो बेगम से ऐसे करने लगता, तो वो कहती हाय कौन मर गया जी। भाई गाएं ना थोड़ा सा, ये फेक चीज है, सोना या चांदी थोड़ा सा गाएं। चलें भाई सुर दीजिएगा जरा। वाह वाह। सोना न चांदी न कोई महल जाने रंग, तुझको मैं दे सकूंगा। इधर आओ काशिम। फिर भी ये वादा है तुझसे। वाह वाह काशिम इधर आ जाओ। तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा। इतना तेज है ये। कितना तेज है ये। तेज है। सब कुछ मांग रखे ना, अगर ये करोगे तो फिर छोटा कर दूंगा। ये तो अपने बाद में रियलाइज किया कि ये तो चलाकी है। देखिए चलाकी से सब करा के छोटा कर दे। हाँ ये छोटा छोटा कर दे, कारीगर आदमी है। दुख सुख का साथी बनूंगा भाई, तुम दुख खुद ही देगा, तुम साथी भी तो छोटे घर में दुख के अलावा होगा क्या? होगा क्या? जाओ भाई अगला गाना सुनाओ। जाओ भाई अब कोई जाओ क्या, यही नहीं यही बैठो बैठो यही सुनाओ ताकि गुलाब साथ गुनगुना सके तुम्हारे। चलो काशिफ का मेरा सुनो, मैं तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। नहीं तो मैं कौन सा यहाँ आइटम सॉन्ग करने आई। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का सामा हो गए। क्या गाने यार, ये तो कोई गाना नहीं था। तो अच्छा गाना नहीं, बिल्कुल भी। क्यों इसमें क्या मसला है? कसम खा गया है नया गाना नहीं गाया। मैं स्कूटर पे बैठे हुए थे जो रफ्ता रफ्ता तो क्या था, मैं बस देखने आया हूं कि कौन-कौन दिल्ली बस में जा रहे थे। रफ्ता रफ्ता फजूल बेकार की बातें। लाओ भाई अगला तो जल्दी से। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने ना देना।
है गुलाबा। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। इसमें भी टॉर्चर मैं ये बोलने वाला था मैं क्या अच्छा खासा चल रहा था यहाँ की उसी रात हो जाए अंधी 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 यार बताओ इतना काफी है। हाँ, ये तो मुझे लगता है इन सब पे FIR कटा है बंदा। जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से वो दिन आखरी हो मेरी जिंदगी का। अब आखिर में बकवास आखिर में अंधा हो गया ना बिला वजह इसमें भी तो देखे वो कह रहे हैं कि आखिरी दिनों मेरी जिंदगी अब जो अपने मतलब का गाना था ना वो दिल क्या एक घंटा गाऊं गाएं आप बोला गाएं कोई मसला नहीं। अच्छा इससे मुझे याद है आप इतना अच्छा गाती हैं अब तो हर कोई गाने लग गया है तो आप क्यों नहीं गा रही आप भी कोई सीरियस कोई गा तो लिया नहीं नहीं कोई बाकायदा ना भाई ना क्यों भाई ना हर चीज को थोड़ी हाथ पार नहीं नहीं आप अच्छा गाती हैं जो नहीं गा पा रहे वो बाकायदा गा रहे हैं वो उनकी मर्जी वो उनका अपना मसला अगर अपनी जिद पे आप देखें ना वो गा रहे हैं तो मिलियन व्यूज आ रहे हैं आप गाएंगे तो क्या होगा कुछ भी नहीं होगा क्यों मैं आपको बताऊं सच्ची बात आसिम जाहिर सिंगर बना तो छोटा था तब भी उसने जिंगल्स विंगल्स गाए थे और करता था तो मुझे कहीं से किसी ने कहा कि जी कहीं से क्या जाहिर म्यूजिक फैमिली है तो उन्होंने कहा कि जी वो इंडिया में उस वक्त एक काफ़ी अभी भी होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे नाम हैं तो उन्होंने कहा कि आसिम का नाम जो है वो इस लिस्ट में हम भेज रहे हैं आसिम इंडिया जाके गया मैंने कहा खबरदार अगर आसिम को इंडिया भेजने की कोशिश उन्होंने कहा आप कैसी माँ है लोग तो अपने बच्चों के नाम लिखवा रहे हैं मैंने कहा बात सुनिए मुझे जूते नहीं पड़वाने जो गा रहा है जितना गा रहा है इज्जत से गा रहा है वो उसको वैसे ही करने दें तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में छलांग लगा दें कि आपको वो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बिल्कुल लेकिन ठीक है आप जैक ऑफ ऑल हो लेकिन आप हर चीज़ के मास्टर ना बनने चाहिए बिल्कुल कैसे बन सकते हैं आप क्या बात हाँ दिस इज पॉसिबल। अब आप मुझे बताएं कि सबसे पसंदीदा गाना आप मुझे आसिम का कौन सा है इतना है आसिम का हाँ ये है ना मुश्किल बात सबसे पसंदीदा आपके यार आसिम का अभी एक उस दिन भी मैंने उस बच्चे को मैं एक रेडियो प्रोग्राम में थी अच्छा तो मैंने उस बच्चे को मुश्किल में डाल दिया क्योंकि उन्होंने उसको भी लाइन पे लिया तो मैंने उस गाने की फरमाइश कर दी जो अभी उसकी एल्बम में है और वो रिलीज नहीं हुआ ओए लेकिन वो उसने मेरी खातिर सुना दिया यार ये तो आपने बता दिया बेचारे लेकिन नहीं लेकिन आई थिंक दिस मुझे हाँ मुझे उसके चले मुझे वो बताने जो रिलीज हो चुके हैं जो रिलीज हो उसमें आपका फेवरेट कौन सा है आप बोले यार ये बहुत ये सुनती हूं तो मजा आता है हां ये बहुत आला है वो इस हमारी एक पाकिस्तानी मूवी का भी गाना है अगर मुझे वक्त पे याद नहीं आता बिलाल का और मायरा की मूवी थी सुपरस्टार का कौन सा गाना काश अब आपको याद है बहुत अरे हां मुझे भी अरे आई नो जब याद करना होता है ना उस वक्त ध्यान से निकल जाता है वो निकल जाता है क्योंकि मैंने आसिम के एक कॉन्सर्ट में होस्टिंग भी की है और आसिम ने उस कॉन्सर्ट का स्टार्ट उस गाने से किया था और आवाम जो है ना बस वो एम्बुलेंस आ गई थी बाहर जो लोगों का हाल हुआ था बहुत खूबसूरत गाना अब याद और मजे की बात मुझे उस वक्त पता था मैं कहा ये आसिम ने गाया है गाना वो है गलत फहमी था नहीं गलत फहमी था
कैसे ये बताऊं, आना गलत फहमी होगा। काशी भाई आपको याद है? काशी भाई आपको कुछ याद है? सोया काशी भाई याद है को बैठे एहसास की राह चुनी है। ऐसे गाने ना मुझे भी अल्फाज तो मुझे याद नहीं है, लेकिन गलत फहमी जी आपको सबसे ज्यादा पसंद है और जो अभी आने वाला है वो उनका फेवरेट है, तो आई एम श्योर कि वो हमने सुना है और वो यकीनन और अच्छा होगा क्योंकि इनको बहुत पसंद है। मुझे लगता है जो भी गाना आने वाला होता होगा वो आपका फेवरेट ही होता होगा। नॉट नेसेसरी। अच्छा गुलाबा, आपको लिरिक्स की भी बड़ी सेंस है, जैसे आप या मैंने नोट किया, आप नोट कर रही थी कि ये इसमें यहाँ पर यहाँ तक ठीक है इसमें, तो ये कभी ऐसा हुआ आपने सोचा यार मैं एक गाना लिख दूं आसिम के लिए? नहीं ऐसा मैंने कहा ना नहीं, लेकिन ये कि मैं उसके गाने सीख, क्योंकि आसिम अपने लिरिक्स खुद लिखता है। खुद लिखते हैं जी जी जी, तो आप उसकी नोट पलट ठीक करते रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो उसको नहीं, जैसे शुक्र खुदा का कि उनका शीन काफ ठीक है जी, बिल्कुल करा करा नहीं कर रहे हो। और आसिम के शोज की, जब आसिम की बात आई है, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, वरना शो जो होता है जैसे पब्लिक शो होता है उसमें बहुत ही हैपनिंग सॉन्ग जो होते हैं वो चलते हैं, आसिम का लेकिन मैंने देखा है कि आसिम के स्लो गाने हैं चाहे जो भी हैं पूरी पूरी पब्लिक को याद होते हैं। बिल्कुल, और जो मुझे बात आसिम की अच्छी लगती है क्योंकि मैं उसके कॉन्सर्ट्स में गया हूँ, कि वो हर तरह का गाना मैनेज कर लेता है स्टेज पे। आप सही कह रही हैं कि ऑडियंस को ऊपर रखने के लिए आपको सिर्फ तेज गाने गाते हैं लोग, लेकिन आसिम स्लो गाना भी गा लेता है साथ, उसमें भी ऑडियंस उतना एंजॉय करती है, फिर वो एकदम तेज गाना गा लेता है। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि मौला अली का फरमान है कि हर चीज़ के साथ साथ किस्मत मांगे आप, क्योंकि बड़े बड़े आलमों को किस्मत वालों की चाकरी करते देखा। क्या बात है, क्या तो इसमें किस्मत का बहुत अमल दखल होता है। स्टार तो इंसान अपनी कोशिश से बन जाता है, लेकिन सुपर स्टार जो है ना हर चीज़ उसी के हाथ में है, लेकिन अगर हमें फिर क्यों भेजा हुआ दुनिया में, ठीक है ना, अपनी मेहनत करने के लिए, लेकिन फिर ये जो कुछ चीज़ें हैं जो जिनका नहीं पता चल सकता, कोई कहता है कि जैसे आसिम, ये सब किस्मत के खेलों पर वाले। बिल्कुल ठीक है गुलाबा, थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा टाइम निकाला, मैं जानता हूँ आप बहुत मसरूफ हैं, आप शूटिंग से टाइम निकाल कर आई। बिल्कुल फारिग, मैं तो खुद कह के आई थी तुम्हारे शो और फिर आपने वहीं भाग दो महीने से कह रही थी मुझे नहीं बुला रहे, मुझे नहीं बुला रहे। नहीं नहीं आपको तो बुलाना जरूरी था, आपके बगैर तो ये वॉल कम्प्लीट ही नहीं होती आपके बगैर। थैंक यू सो मच, खुश रहो, और जो बात मैंने इन दोनों बच्चों के लिए कही है ना आई मीन इट। अगर मैंने अपने बेटे के लिए इन दोनों को चूज किया कि इससे मैं खास तौर पे कहती थी आदि मुझे ज़रा दिन बाद ज़्यादा अरसे बाद मिला, ये जो हुआ मेरी कोशिश होती थी कि मैं फैजान से कहूँ कि आसिम से दोस्ती करे ताकि आसिम भी ठीक ट्रैक पे रहे। अरे आपकी मोहब्बत है, थैंक यू सो मच, आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे, अगर आपके पास कोई मैसेज है तो आप वहाँ दे सकती हैं। मैसेज बस यही है कि शुक्र करें, हर चीज़ पर शुक्र करें, अगर कोई मुश्किल भी हो तो शुक्र अदा करें, क्योंकि मुसीबतें टल जाती हैं जब आप सब्र से काम लेते हैं। बिल्कुल आदि भाई, आपका कोई मैसेज है? मेरा मैसेज ये है, क्योंकि आज आप आई हुई हैं, मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि जो नई जनरेशन होती है ना उसको एक मसला होता है, उसको लगता है यार हम छोटे हैं ना तो हम आपस में दोस्तियाँ कर सकते हैं, आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, एज से कुछ नहीं होता, आप वो बाउंड्री जब पार करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, अगलों के साथ हंसी मजाक करते हैं, तो मुझे नहीं ऐसा लगता कोई भी बड़ा ये कहता होगा यार मुझसे हंसी मजाक नहीं करो। सही बात, तो मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि चाहे आपके घर के बड़े हों या छोटे हों, सब आपके दोस्त बन सकते हैं, और एक बार आप उनको दोस्त बना के देखें तो जिंदगी का हर किस्म का फ्लेवर आपको जिंदगी में। लेकिन कुछ कुछ बड़े बहुत सड़ियल होते हैं। हाँ, लेकिन उनके लिए वो भी सही हुए थे, मुझे एक बार ट्रेन में मिले थे, वो ट्रेन में मिले थे, वो बिल्कुल सही हो गए थे। उसके लिए खुश नसीब होना जरूरी है आपको ऐसे बड़े मिले, बिल्कुल, आपको इतनी शफकत दें, इतनी मोहब्बत दें, आपके साथ बिल्कुल दोस्त बन के रहें, आप उनके साथ कुछ भी शेयर कर सकें, और यकीनन ये एक ऐसी चीज है कि एक्शन रिएक्शन होता है, जब बड़े आपको शफकत देते हैं तो आप भी उनको इज्जत देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा यूनिक शो बहुत पसंद आया होगा, आज हमने बड़ा एक डिफरेंट अलग किस्म। और तुम्हें याद है जब मैंने सबसे पहले तुम लोगों का ये देखा था, शायद तुम्हारा टाइम ज्यादा चला जाए, मैंने तुम्हें उस दिन कहा था जब ये शो शुरू भी नहीं हुआ था, बिल्कुल रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने कहा तुम लोगों का शो सुपर हिट होगा। अरे थैंक यू सो मच, आप ही जैसे लोगों की दुआएं जो हमें चला रही है, वरना यकीनन हम इस लायक नहीं है। हां वाकई में दुआ भी चल रहे हैं, और सीमा जी की वजह से चल रहे हैं, और अक्षय जी की वजह से चल रहे हैं, शिवन की वजह से चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अंजुम जी की वजह, अंजुम खुद तो नहीं चल रहे लेकिन हम चल रहे। तो उम्मीद करते जी आपको हमारा शो पसंद आएगा और आप लोग अगली वीक भी ट्यून इन करेंगे। काशी भाई जाने से पहले क्या सुनाएंगे, जल्दी सुनाइए। खरी खरी हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू बहक रही है, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू बहक रही है, लबों
रही है हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है वो मेरे नजदीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए थे वो मेरे नजदीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए थे मेरे ख्यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही है मेरे ख्यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही है हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है जो दिल से निकल रही है वो शेरों नगमों में ढल रही है सदा जो दिल से निकल रही है वो शेरों नगमों में ढल रही है ये दिल के आंगन में जैसे कोई अस्सलाम वालेकुम मैं हूं अदनान शाटी और आप मुझे बहुत जल्द देखेंगे टीवी वन पे मजेदार शो में आदि और फैजान के साथ सोच लें कितना मजा आने वाला है तो देखना मत भूलिएगा भाई क्योंकि मजे बार बार नहीं जिंदगी में मिलते समझे होगा हाँ मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 ये मजेदार शो है काफी अच्छा फ्लो है शो काफी फास्ट है गाना थोड़ा स्लो है होस्ट करेंगे थोड़ा रोस्ट करेंगे जो पसंद आ जाए उसे पोस्ट करेंगे बाय मैं कुछ बोल लूं बोल ले बेटा शुक्रिया हम बात भी करेंगे दो हाथ भी करेंगे और लाइट भी करेंगे और राइट भी करेंगे हम काम भी करेंगे हम नाम भी करेंगे सब शोर भी करेंगे वंस मोर भी कहेंगे यार आदि तू तो अच्छा कर रहा है यार कैमरा ट्रिक है फैजू